जब भी टेलीविजन सीरियल्स की रैंकिंग आती है, वो रैंकिंग हम सबको काफी ज्यादा हैरान कर देती है, वो रैंकिंग हमको परेशान कर देती है। ऐसे में चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कैसे सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बार फिर से रैंकिंग्स बाहर आ चुकी हैं। जी हाँ, और इन रैंकिंग्स के चलते ही कई सारी चीजें भी सामने आ रही हैं, यानी कि कौन नंबर वन पर है, कौन नंबर 12 पर है। टॉप 12 शोज में हमने जो सोचा था कि नंबर वन पर ये शो अक्सर रहता है तो रहेगा, वो शो नहीं बल्कि कोई और शो है पॉपुलैरिटी की रैंकिंग में। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूल्स, मैं हूँ ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि टॉप 12, जी हाँ, जो लिस्ट इस वक्त मैं लेकर आई हूँ वो है नवंबर 21 से लेकर नवंबर 28 तक, और नवंबर 21 से लेकर नवंबर 28 एक हफ्ते की ये पूरी रैंकिंग है कि पिछले एक हफ्ते कौन से शोज नंबर वन पर रहे हैं, कौन से शोज कौन सा शो 12th पोजीशन पर रहा है। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 12 पर है ऑफकोर्स कुंडली भाग्य, नंबर 11 पर है नागिन। अब हैरानी वाली बात यह है कि नागिन पिछले कुछ वक्त में पॉपुलर शोज की रैंकिंग से बाहर हो चुका था, लेकिन अब फिलहाल वो बाहर नहीं है। नागिन जो है वो 11th पोजीशन पर है, आ चुका है पिछले कुछ दिनों में, जैसा मैंने कहा कि भाई 12th पर भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जो है 12th नहीं बल्कि सीधा 11th पर आ गया है। नंबर 10 पर है मेरा फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नंबर 9 पर है इमली, नंबर 8 पर है बड़े अच्छे लगते हैं, नंबर 7 पर है पांड्या स्टोर, नंबर 5 पर है, नंबर 6 पर है अनुपमा। अब अनुपमा के लिए मुझे हैरानी इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा जब से शुरू हुआ है इकलौता ऐसा शो है जिसको 3 point something की मैसिव रैंकिंग मिलती है, 3 point something की मैसिव रेटिंग्स मिलती हैं। तो ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, ये काफी ज्यादा वाकई डिफरेंट चीज है कि अनुपमा नंबर 6 पर है पॉपुलैरिटी में। नंबर 5 पर है ना उम्र की सीमा हो, नंबर 4 पर है कुमकुम भाग्य, नंबर 3 पर है गुम है किसी के प्यार में, नंबर 2 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है, और नंबर 1 पर है बिग बॉस। जी हाँ, यानी कि टीआरपी की रैंकिंग्स में जितने भी शोज हैं वो सारे शोज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर चैनल के अपने अपने फेवरेट शोज हैं। एक ही चैनल सबसे ज्यादा आगे तो नहीं हो सकता, तो जैसे स्टार प्लस का अनुपमा है, वैसे कलर्स का नागिन और बिग बॉस है, तो ऐसे कई सारे शोज जो है वो ऊपर नीचे शोज का टीआरपी के बेसिस पर चलता रहता है। लेकिन हाँ, जहां तक बिग बॉस की बात है, भैया बिग बॉस ही बिग बॉस छाया हुआ है। पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को बीट करते हुए बिग बॉस ने बिग बॉस 13 का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और सीधा पहुंच गया है टॉप पर। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस चीज पर, बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में।